Driving round with my baby. Tough drops and raindrops. Motion got me all faded, my heart. हेलो गाइस, गुड इवनिंग. कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे. तो गाइस, रात के ना 10 बजे हैं और हमारे घर में देखो क्या हो रहा है. ये देखो, अगर ये लड़की आएगी ना तो बस मैगी, पिज्जा, पास्ता यही सब बनेगा. खाना मैंने पूरा बना के रखा है, पूरा खाना बनाया है. इनफैक्ट दो दो मैंने सब्जियां बनाई है और इसको खाना है मैगी और पिज्ज़ा. पिज्ज़ा भी ऑर्डर करके मंगाया है और अभी ये खाएगी तभी इसका पेट भरेगा. तो गाइज, एक ना छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है. पता है पूर्वी आने वाली थी डायरेक्टली दिवाली पे, लेकिन एक तो गणपति की छुट्टियाँ लग गई हॉस्टल में 5 दिन की, तो वो आई है और कल सैटरडे वो जाने वाली है वापस हॉस्टल में और फिर फाइनली वो दिवाली पे ही आएगी. और इसको हो गया है स्टोन, किडनी स्टोन. तो पूर्वी को किडनी स्टोन हुआ है, छोटा सा है, 5 mm का. पहले उसको नहीं था, अभी 1 month से उसको थोड़ा सा दुख रहा था तो उसने सोनोग्राफी कराया वहाँ पर हॉस्टल में ही. वहाँ पर हॉस्टल में ही सारी मेडिकल की सुविधाएं हैं तो उसने वहाँ पर चेकअप कराया तो उसको किडनी स्टोन आया है. 5 mm का छोटा सा है और अभी मैं इसकी दवाई करा रही हूँ. 5 दिन से यहाँ पर ही है. और आई नो किडनी स्टोन में मैगी नहीं खाते पर मुझे क्रेविंग्स हो रही है तो मैं खाऊंगी. मेन तो अपने हाथ में है परहेज करना. परहेज करेगी तो जल्दी ठीक होगी. दवा गोली तो सब हम कर ही रहे हैं. इसका खाना था जो मैंने इसको दिया, प्लस मैंने मूंग की भी भाजी बनाई है, वो इसने नहीं खाई. यहाँ पर बिल पड़ा है और ये सब ये इसका खाना है. देखो ये नहीं खा रही है, ये पिज्ज़ा खा रही है. देखो पिज्ज़ा खा रही है यहाँ पर. ये टुकड़ा मैं खा लेती हूँ. बच्चों के बहाने ही हमें खाने मिलता है, हम खुद से ऑर्डर नहीं करते हैं अपने लिए. मुझे ज़्यादातर सच बोलूँ तो घर का ही खाना पसंद है. पूर्वी, मैंने तेरा पिज्ज़ा खाया. और अभी कल जाएगी ये हॉस्टल और कल मुझे इसको देना है साबुदाना बड़े उसकी फ्रेंड्स के लिए. चलो कल मिलती हूँ पिज़्ज़ा खा के. सो गाइज, यहाँ पर है ना, अभी हम लोग टीवी में देख रहे हैं हमारे पुराने ब्लॉग्स और ये सारे ब्लॉग्स आई होप आपने भी देखे होंगे. अगर नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाके देख लीजिए, बहुत ही मज़ेदार हैं. और ये हमारे जो दिसंबर का कैंप होता है ना उसके ब्लॉग्स चल रहे हैं टीवी पर. और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे आए हुए हैं, हमारा एक और कॉम्पिटिशन आने वाला है DSO का, उसकी तैयारी चालू है. तो थोड़ा सा ब्रेक लेके हम टीवी में पुराने व्लॉग्स देखने लगे आइडियाज़ के लिए कि इस साल नया क्या करें. और बहुत ही मज़ा आया अगर जब हमने पुराने व्लॉग्स देखे ना तो सच में आइडियाज़ आ गए कि इस साल नया नया और हमें क्या करना चाहिए. तो यहाँ पे सभी बच्चे ना डांस कर रहे हैं, गाना. ये अजिंक्य है, इसने बहुत ही कॉमेडी की थी और यहाँ पर हंस हंस के पेट दुख गया हमारा. और मैं पूर्वी को लेके थोड़ी सी परेशान भी हूँ, उसको स्टोन हुआ है. भगवान जल्दी निकल जाए. उसका स्टोन छोटा सा ही है जैसे कि मैंने बताया 5 mm का, तो उसकी मेडिसिन चालू है और देखो कब तक क्या होता है. कल उसको जाना है वैसे भी हॉस्टल में, वो गणपति की छुट्टियों में आई थी और वो भी देख रही है टीवी, बड़ी खुश हो रही. मैं कर रही हूँ सुबह की तैयारी. यहाँ पर 1/2 किलो साबुदाना है, उसको धो के 1 glass पानी डाल के मैं ढक के रख दूंगी क्योंकि कल पूर्वी हॉस्टल जाने वाली है रिटर्न, तो उसकी फ्रेंड्स को भी मुझे वड़े देने. मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग. गाइस, तो मॉर्निंग हो चुकी है और मैं रेडी हो चुकी हूँ. सुबह की पूजा वगैरह हो चुका है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ सबसे पहले पूर्वी के लिए साबुदाना वड़े. और आज मेरी पूर्वी हॉस्टल जा रही है वापस और उसके फ्रेंड्स के लिए भी मुझे पैक करके देने हैं. तो यहाँ पर है ना, मैंने शेंगदानों को रोस्ट कर लिया है अच्छी तरह से. अभी इनको साफ़ करके मैं पीस लूँगी. और ये आलू बॉईल हो चुके हैं, 1/2 किलो ये आलू हैं और 1/2 किलो साबुदाना है. ये साबुदाना मैंने रात को भिगो दिया था और देखो एक एक दाना हो गया है. और अभी यहाँ पर है लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्ची और ये तीनों चीज़ों को और शेंगदाने को मैं पीस लूँगी. तो गाइस, चलिए मैं मसाला पीसने जा रही हूँ. और साबुदाना वड़े की रेसिपी पहले भी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ और फिर से एक बार बता रही हूँ. इस वक्त मैं साबुदाना के लिए जो शेंगदाना भुने देना उनको साफ़ कर रही हूँ. बहुत ही सारा छिलका निकला था, उन सबको उड़ाया मैंने बाहर जाके. और यहाँ पर मसाला मैंने सारा पीस लिया है, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया,
शेंगदाना वो सबको पीस के मैं एक परात में सारा कुछ मिक्स कर लूँगी और फटाफट से मैं बना रही हूँ। और पूर्वी और डियर हस्बैंड पता है क्या कर रहे हैं, फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं वो लोग। पूर्वी ने बोला अपने पापा को कि आप भी पुलिस का ड्रेस पहनो, तो उन्होंने भी अपना ड्रेस पहना और पूर्वी ने अपना ओजी पहना है जो वहाँ का यूनिफॉर्म है। और यहाँ पर मैं किचन में हूँ, ये सारा मसाला मेरा बन चुका है, इसमें साबुदाना मिक्स करेंगे और बना लूँगी फटाफट से वड़े। और कुछ हमने घर में खाए, कुछ पूर्वी को पैक करके दिए और डियर हस्बैंड उसको ट्रेन से लेके जा रहे हैं नासिक। और यहाँ पर मैं फटाफट से वड़े बना रही हूँ, कुछ मेरे बन चुके हैं जो कि ये लोग बाहर नाश्ता भी कर रहे हैं, साथ में फ़ोटोज़ भी निकाल रहे हैं। और अभी हो रहा है पूर्वी के जाने का टाइम और दुख भी लग रहा है। और अभी पूर्वी दिवाली पे आएगी एक बार फिर से। सो गाइस देखिए दोनों पापा और बेटी कैसे लग रहे हैं अपने अपने यूनिफॉर्म में। सर ने आरएसपी का यूनिफॉर्म पहना है और पूर्वी ने अपना ओजी पहना है। दोनों ने फोटोज़ निकाले और अभी पूर्वी जा रही है। पूर्वी गई हॉस्टल और कल होने वाला है मेरा मराठी लुक, क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ। और यहाँ पर आया मेरे लिए कॉस्ट्यूम, ये देखिए। और इसका ब्लाउज कितना खूबसूरत है। तो कल मेरी फ्रेंड गीतू मुझे मराठी लुक देने वाली है और इसका न्यू वीडियो बनेगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। यहाँ पर मेरा आउटफिट आ चुका है, ये दुपट्टा है और इसमें है पूरी ज्वेलरी और दो दो सेट हैं। तो कैसा क्या ब्लॉग बनता है पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। और चलिए मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।